नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में FYUP का जो प्रोग्राम था उसे लागू किया जा रहा है, यानी कि छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएशन करने की अब कोई चिंता नहीं होगी। PhD का सपना देख रहे छात्र 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद सीधा PhD में एडमिशन ले सकेंगे। UGC के अध्यक्ष जगदीश मामीडाला सर ने 4 साल की जो ग्रेजुएशन थी उन स्टूडेंट्स को डायरेक्ट PhD में अलाउ कर दिया है। यानी कि अगर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो विद ऑनर्स है, आपने मेजर सब्जेक्ट्स लिए हैं और आपने 4 साल की ग्रेजुएशन की है, तो आपको MA करने की कोई जरूरत नहीं होगी, मास्टर डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं होगी। FYUP के फायदों के बारे में बात करते हुए जगदीश जी ने कहा कि सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा ये है कि उन स्टूडेंट्स को जो ग्रेजुएशन 4 साल की करेंगे उन्हें PhD के लिए MA नहीं करना होगा, क्योंकि इससे पहले MA में मिनिमम 55% होना आवश्यक था। जिन स्टूडेंट्स की 3 साल में ग्रेजुएशन होती थी, 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन होती थी, यानी कि 5 साल होते थे, और साथ ही अगर आपके MA में 55% नहीं बने तो वो बच्चे PhD नहीं कर पाते थे, अब वो सभी बच्चे डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद PhD के लिए जा सकते हैं। जगदीश जी ने ये भी बात बोली है कि 4 साल के ग्रेजुएशन प्रोग्राम को पूरी तरह से जब तक लागू नहीं किया जाता है तब तक 3 साल का जो ग्रेजुएशन कोर्स हमारा चल रहा है वो चलता रहेगा। यानी कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका जो 3 साल का यानी कि 3 ईयर्स ग्रेजुएशन प्रोग्राम है वो अब नल एंड वॉइड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी भी अपने 3 ईयर्स जो आपकी ग्रेजुएशन प्लानिंग है, BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, BA थर्ड ईयर, ये चलती रहेगी। और ये कब तक चलेगी? जब तक FYUP यानी कि ग्रेजुएशन का जो 4 ईयर प्रोग्राम है वो प्रॉपरली लॉन्च नहीं होता। जगदीश जी ने बुधवार को एक न्यूज चैनल से बात करते हुए ये बात कही थी कि विश्वविद्यालयों के लिए जो ऑनर्स की डिग्री है उसका पैटर्न हमेशा से 4 साल का था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन चीज़ों को पहले लागू किया गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब ये चीज़ लागू हुई थी तो उस समय मैं विनीत पांडे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अरबिंदो इवनिंग कॉलेज में पढ़ा रहा था। FYUP कोर्स के लागू होने के बाद जितने भी बदलाव हुए, छात्रों पे जो प्रभाव पड़ा, जिस तरह से टॉपिक्स को मैच किया गया, मर्ज किया गया, वो सारी चीज़ें मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पर्सनली देखी हैं। और चूंकि इस YouTube वीडियो के माध्यम से मैं उन स्टूडेंट्स से बात कर रहा हूँ जो मुझे एक ऑथेंटिक आवाज़ मान के सुनते हैं, तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। पहली बात, ये मेरे अपने विचार हैं, FYUP दिल्ली यूनिवर्सिटी में फेल्ड था। मेरी तरह कई सीनियर टीचर्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट किया था, हम इसके खिलाफ गए थे, क्योंकि FYUP पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया था। ग्राउंड लेवल पे इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। प्रैक्टिकली एज ए टीचर मैंने क्या क्या देखा, अननेसेसरली स्टूडेंट्स को FYUP में एडमिशन दे करके एक क्लास जिसमें शायद 30 या 35 बच्चे होने चाहिए, 120-130 एडमिशन दे दिए गए। बहुत सारे बच्चे क्लास में नहीं आते थे क्योंकि 20 से 25 नंबर टीचर्स के हाथ में होते थे और वो जानते थे कि अगर हम टीचर्स को खुश रखें, यानी कि नमस्ते करें, पैर छुएं या जो भी उनके तरीके होते हैं, तो हमें डायरेक्ट नंबर यहां से मिलेंगे। इन शॉर्ट दोस्तों, जो चीज़ मैंने नोट की वो ये थी कि बच्चों का क्लास में मन नहीं था, ये जानने के बावजूद कि FYUP एक नया प्रोग्राम है। टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो जो टॉपिक्स हमारे सामने आए थे वहाँ पे ये था कि वो टॉपिक बहुत ही बेसिक लेवल के थे। मुझे खुद एक क्लास लेनी पड़ी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी FYUP कोर्स के अंदर, जहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ अ ट्री पढ़ाया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर मुझे ये पढ़ाना पड़ रहा है कि व्हाट इज़ एन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, तो मुझे भी लगा था कि मैं किस जगह पर आ गया, क्या कर रहा हूँ, क्या मैं ये पढ़ाने आया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात, FYUP अब वो नेशनल लेवल लागू कर रहे हैं तो हो सकता है वो बहुत सारी चीज़ों को सुधार दे। तो मेरा नज़रिया, जो फिलहाल इस वक्त आपको लगेगा कि सर ने नेगेटिव मैसेज दिया है, मैंने अपनी रियलिटी बताई, इंडिविजुअल रियलिटी बताई, एक टीचर की तरह मुझे क्या लगा मैंने वो बताया। सो प्लीज़ यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा कि जब FYUP पूर्ण रूप से लागू हो जाता है तो हो सकता है कि बहुत सारे आपको फ़ायदे मिले। दूसरी चीज़, अगर मैं आपको अपने विचार दूँ तो ग्रेजुएशन को डायरेक्ट PhD में कर देने से और पोस्ट ग्रेजुएशन MA की वैल्यू खत्म कर देने से मुझे लगता है साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा नुकसान होगा। MA को नहीं हटाना चाहिए, लेकिन फिर भी जगदीश जी ने कहा है
कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जरूर होगा यहाँ पे, और बहुत जल्दी ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर ये सारे करिकुलम आपको नोटिफाई करवा दिए जाएंगे। फिर भी इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए हो, अगर आपको लगता है कि आप ग्रेजुएशन स्टूडेंट हैं, आपको जानकारी की ज़रूरत है, आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको ग्रेजुएशन ऑनर्स विद रिसर्च, ग्रेजुएशन ऑनर्स विद मेजर सब्जेक्ट्स, इन सभी चीज़ों के बारे में प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। अगर आप ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आप साथ साथ गेट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप CUET PG के थ्रू इंग्लिश लिटरेचर के अंदर प्रिपरेशन करके भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी इन सारी चीज़ों के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन लॉजिकल लगी हो, ऑथेंटिक लगी हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये एजुकेशनल पोर्टल है। इस पोर्टल पे आप और हम सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बात करते हैं, और ज्ञान का सम्मान सबसे ज़्यादा होना चाहिए। आपकी जितनी भी क्वेरीज है उसके लिए कॉन्टैक्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।